अरे भगवान, थोड़ा जल्दी चल, नहीं तो टाइम से पहुंच ना पाएंगे रेलवे स्टेशन और ट्रेन छूट जाएगी। पहली बार शहर जा रहे हैं बेटा के घर, और खूब मजे करेंगे वहाँ। तेरा मुंह क्यों लटक रहा है? तुझे खुशी ना हो रही शहर जाने की? जल्दी चल, टाइम देख कितना हो लिया। अरे चल तो रही हूँ, और कितना चलूँ? पहिए लगा लूँ क्या पैरों में? बुढ़ापे में जितना चला जाएगा उतना ही तो चल रही हूँ। कोशिश तो कर रही हूँ पूरी कि जल्दी ही चल लूँ। चिल्ला रहे हैं। बिना फिजूल का गुस्सा दिखा रही तू तो, और ना चल रही आगे को, ऐसा लग रहा है जैसे पीछे कोई खींची जा रही है। जय मारे कह रही थी ऑटो ले लो, खदेड़ के ले जा रहे हैं ऐसे ही, और बोल रहे हैं मुझे ही। चल चल, अच्छा थोड़ी दूर हो रहा है, बस जल्दी चल ले, गुस्सा ना हो। चल भगवान, अच्छा हुआ टाइम से पहुंच गए, देख ट्रेन भी लग गई है हमारी। चल एक काम करते हैं, थोड़ी देर सुस्ता लेते हैं बेंच पे बैठ के, फिर अपना ट्रेन में बैठेंगे आराम से। चलो बैठ गई, कछु चाय पानी ही पिला दो, बहुत थक गई मैं चलते चलते। अरे शहर जाके खा पी लियो बेटा के घर, अभी देख ट्रेन लग गई है, मैं उधर जाऊंगा तो कहीं ट्रेन ना निकल जाए। तू तो बच्चों के जैसे जिद करती रहती है। हाँ सारी जिद तो मैं ही कर रही, चाय पानी पिलाने को ही तो बोला, उसमें बड़ी तुम्हारी ट्रेन छूट रही है, ना पिलाओ ना पिला रहे। तो देख ना, घर जाके लौंडा से शिकायत करूंगी तुम्हारी सारी, कछु ना पिलाया इन्होंने मुझे रास्ते भर में। हाँ कर दियो जो शिकायत करनी है तुझे। चल देखो ट्रेन निकलने वाली, चल खड़ी हो, चल बैठेंगे, चलो। जा डब्बा में तो बहुत ठंड लग रही, बहुत ठंडा है डब्बा तो। ये मैं नू कह रही थी जब वहां जाओ तो झगड़ा ना करना किसी के साथ, गांव में तो तुम बहुत झगड़ा करो, वो तो मैं ही नहीं मटलू सबसे, वहां कौन देखेगा, इसलिए किसी से भी झगड़ा ना करना, समझ गए? नहीं तू झगड़ा। कहना क्या चाहती है कि मैं ही झगड़ा करता फिर रहा सबसे? अरे जब मुझे कोई कुछ बोल लेगा तो मैं पलट के बोल लूंगा नहीं क्या उसे? जब मेरे साथ कोई झगड़ा करेगा मैं छोड़ दूंगा, चुपचाप बैठ जाऊंगा क्या? बस तुझे तो मौका चाहिए मेरी शिकायत करने का, बननी ज्यादा चौधराइन कहीं की। बस चुप भी हो जाओ, अब यही लड़ना शुरू कर दिया तुमने तो, और बोल ले मैं चौधराइन बन रही, खुद ना देख रहे खुद को लड़ रहे। अच्छा अच्छा चल शांति बरत, अगला स्टेशन हमारा वाला आने वाला है, हमें उतरना है वहां पे, ठीक है? चलो पहुंच गए लड़का के घर, सुबह के निकले थे रात हो गई पहुंचते पहुंचते, जे देखो लड़का की गाड़ी भी खड़ी है, घर पे ही होगा। चलो जल्दी चलते हैं, बहुत खुशी होगी उससे मिलके। अरे पिताजी प्रणाम, पहुंच गए आप लोग आराम से? कोई दिक्कत तो ना हुई आने में? हाँ बेटा पहुंच गए, बस आराम से पहुंच गए किसी तरीके से। और बता तेरा काम कैसा चल रहा है? काम तो अच्छा ही चल रहा है पिताजी, और आप सुनाओ मम्मी की और आपकी तबीयत कैसी है? तबीयत तो ठीक ही है बेटा, पर तू तो जानता है ना अपनी अम्मा को कि कैसे बच्चों के जैसे जिद करती है वो, पूरे रास्ते में चक्कर 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 सर खा लिया, और ये नहीं खिलाया वो नहीं खिलाया, ये दो वो दो करके थका दिया, एकदम दिमाग खराब कर दिया। तो पिताजी अम्मा को कुछ खिला देते रास्ते में लेके, भूख लग रही होगी उन्हें हाँ, उसका तो यही रहता है हमेशा। अच्छा पिताजी मैं क्या बोल रहा था कि आज मैं बाहर जा रहा हूँ किसी काम से शाम को, तो मैं सोच रहा था कि हम तीनों चलते बाहर ही खाना खा लेते, लेकिन अम्मा तो जाने के लिए तैयार नहीं है, तो अगर आपकी इच्छा तो आप चलो मेरे साथ, हम लोग बाहर रेस्टोरेंट में खाएंगे खाना और अम्मा के लिए पैक करा के ले आएंगे। हाँ बेटा ये तो बिल्कुल सही बात कही तूने, मेरी तो इच्छा भी हो रही थी बाहर घूमने की, मैं चलूँगा तेरे साथ। छोड़ तेरी मम्मा को यार, उसे घर में ही रहने दे, उसके लिए यहीं ले आएंगे, नहीं तो वहाँ फिर से शुरू हो जाएगी वो। अच्छा पिताजी मैं तब तक कार निकालता हूँ, आप आ जाइए आराम से बाहर। हाँ और बताओ पिताजी, गांव में सबके क्या हाल है? अरे बेटा बस क्या बताएं, गांव में कुछ ना रहा वहाँ पे, सबके बच्चे अपना इधर उधर सेटल हो गए हैं, तो सब अपने अपने बच्चों के साथ में ही शिफ्ट हो गए हैं, अब मन भी ना लगता वहाँ, बस कट रही है जिंदगी। हाँ ये बात तो सही है पिताजी, आजकल जो है बहुत चेंज हो गई है लाइफ, इंसान को इधर उधर पैसे के चक्कर में अपनी नौकरी के चक्कर में इधर उधर ही शिफ्ट होना पड़ रहा है। चलो खैर अच्छा है, आप बीच बीच में आता रहा करो यहाँ पे, हम मेरा भी मन लग जाता है आप लोगों से मिलके। मेरा बेटा।
हाँ बेटा सो तो है, हमारा भी मन लग जाता है मिलके तुझसे। अच्छा पिताजी अब हम पहुंच गए हैं रेस्टोरेंट, चलो आराम से आप निकल जाओ उधर से। हाँ मैं इधर से निकल जाता हूँ। एक्सक्यूज मी वेटर, ए वेटर कम हियर। यस सर, व्हाट कैन आई डू फॉर यू सर? वेटर क्या आप मुझे मेनू दिखाएंगे प्लीज, क्या क्या है आपके रेस्टोरेंट में स्पेशल? या श्योर सर, वेट अ मिनट। ओह ये किसका फोन आ रहा है इस टाइम पे? ओहो किसका फोन है बेटा, क्या हुआ, सब ठीक तो है? पिताजी ऑफिस से एक अर्जेंट कॉल है, आप एक काम करो आप खाना ऑर्डर करो, तब तक मैं फोन अटेंड करके आता हूँ बाहर जाकर। ओके यहाँ नेटवर्क का थोड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा बेटा ठीक है, जाओ बाहर जाओ आराम से बात करके आओ, तब तक मैं देखता हूँ इनके पास क्या है। ओके पिताजी मैं आता हूँ अभी 2 मिनट में। हाँ एक्सक्यूज मी सर, योर मेन्यू प्लीज ऑर्डर सर, वुड यू वांट? ए छोटो इधर आ जरा, क्या बड़बड़ कर रहा है, हिंदी ना आती तेरे को, हिंदी में बोल। सॉरी सर, डिड यू से समथिंग? आई डोंट अंडरस्टैंड। ओ भाई ये दुकान का मालिक कौन है, जरा इधर आइयो, ये देख तेरा वेटर क्या पटर पटर कर रहा है अंग्रेजी में, दब से बोले जा रहा है, कुछ खिलाए पिलाएगा भी या नहीं, या कुछ है खाने पीने के लिए कि केवल इसे अंग्रेजी बोलने के लिए रखा हुआ है तुमने? तो क्या नका चाहता है, इंग्लिश में बोलना हमारी ड्यूटी है, नौकरी है हमारी, खुद को इंग्लिश नहीं आती तो वहाँ क्यों जाते हो, गाँव में हो गाँव में ही खाया पिया करो, यहाँ आने की क्या जरूरत है, ऊपर से हमें बोल रहे हो कुछ कुछ। तो तू अब मन सिखाएगा इंग्लिश? हाँ नौकरी है तेरी, नौकरी बोल रहा है, नौकरी तो हमने भी की इतने साल, पर तेरे जैसे किसी की बेइज्जती नहीं की हमने, पूरे को तुझे मैं ही सिखा दूँ ला हिंदी, तू क्या मुझे इंग्लिश सिखाएगा, तमीज नहीं है तुझे बात करने की, कैसे व्यवहार करते हैं बड़े बूढ़ों से, बुला अपने मालिक को, कहा है तेरा मालिक? ओ बूढ़ो सीधे सीधे बोल रहा हूँ, दिमाग का दही मत कर, तुझे जो खाना है वो ऑर्डर कर और यहाँ से खा और निकल, सुबह सुबह आके रोज दिमाग खराब करते हैं लोग, और तू मेरा दिमाग पूरे दिन का खराब मत कर। और क्या मालिक मालिक की दौड़ जा रहा तू, मालिक को अपनी जेब में रखता हूँ मैं, समझा तू, ऑर्डर कर और खा और निकल। और बूढ़ा ज्यादा नहीं बोलने का, नहीं तो उठा के बाहर फिकवा दूंगा, समझा, हल्के में ना ले। हाँ तू फिकवाएगा मुझे बाहर है, और बोला मुझे हल्के में मत ना लू, रुक जरा अभी तुझे लेता हूँ मैं हल्के में, मैं देसी आदमी हूँ, तू मुझे बाहर फिकवाने की बात कर रहा है, रुक जरा तुझे देखता हूँ अभी मैं। मुझे लगा तू हल्का में है, देसी आदमी हूँ मैं, तेरे जैसे बहुत देखे हैं मैंने, अभी तो तू ठीक से जवान भी नहीं हुआ, तू मुझे देखेगा मुझे फिकवाएगा बाहर, तमीज ना है तुझे, अच्छी तमीज सिखा दूंगा आज ही सब। गलती हो गई, माफ कर दो, गलती ऐसे ना करो, मेरी नौकरी चली जाएगी ताऊ जी, माफ कर दो, क्या खाओगे मैं लाता हूँ जल्दी बताओ। अरे पिताजी क्या हो गया, ये बाहर इतने शोर शराबे की आवाज क्यों आ रही थी, क्या आपके साथ कुछ हुआ है क्या, सब ठीक तो है? अरे नहीं बेटा नहीं कुछ नहीं, वो संगीत की आवाज थोड़ी ज्यादा हो रही थी ना, तो वो कम कराइए, आ जा जल्दी आ जा बैठ, रोटी पानी खाते हैं फिर चलते हैं घर, सोएंगे आराम करेंगे। जी पिताजी चलो खा लेते हैं, आपने देखें क्या क्या ऑर्डर किया है, फिर निकलते हैं आराम से सोएंगे, वैसे भी आप इतनी दूर से ट्रैवल करके आए हैं थक गए होंगे। छोरे और छोरियों और तुम सब जन अच्छे से सुन लो, बड़ों का आदर सत्कार करो, बहुत आशीर्वाद मिलेगा, और हाँ चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना, नहीं तो उरे ही आके इंग्लिश और हिंदी दोनों सिखा दूंगा सबरन को, चलता हूँ, राम राम।